हेलो फ्रेंड्स, तो हम कर रहे थे इसका का चैप्टर 2। इसका हम मेजर पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो रिवीजन लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेसिक चीज़ें, जो एक बार पढ़ते ही रीड करते ही आपको समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन एंटरप्राइज प्रोसेस। एंटरप्राइज की प्रोसेस में एप्लीकेशन क्या है इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, मतलब किस तरीके से वो यूज़ आता है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें लिखी गई है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो TPS होता है वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने का काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस प्रोसेस है और जो ऑपरेशन है उनको सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे TPS होता है उसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा एक सिस्टम होता है ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम, जो सपोर्ट करता है ऑपरेशन को। उसी तरीके से प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम भी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है सपोर्ट द बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन। इसको सपोर्ट करने के लिए, एक ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम एंड TPS। नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। कैसे? हमने पढ़ा था जैसे DSS होता है, जैसे MIS होता है, EIS होता है। ये सिस्टम्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस के डिसीजन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट द स्ट्रेटजिक कम्पिटेटिव एडवांटेज। जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज प्राप्त करने के लिए, कम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए ये सपोर्ट करते हैं सिस्टम। जैसे KMS हो गया, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, उसका यूज़ करके हम कम्पिटेटिव गेन को प्राप्त कर सकते हैं। उस तरीके से स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम फंक्शनल बिजनेस सिस्टम। स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत सारी स्ट्रेटजी से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट, जो CEO और होता है, वो अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग अच्छे से कर सके। उसी तरीके से फंक्शनल बिजनेस सिस्टम भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसमें तीन पॉइंट हो गए, एक तो प्रोसेस को और ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, दूसरा डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और तीसरा कंपिटेटिव गेन को प्राप्त करने के लिए ये हमें सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्या बोल रहे हैं, टू ऑपरेट द इन्फॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अ बिजनेस मैनेजर शुड हैव द फॉलोइंग नॉलेज। मतलब अगर हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम को इफेक्टिवली यूज़ करना है, एफिशिएंटली यूज़ करना है, तो एक जो मैनेजर है उसके पास में कौन कौन से नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है। पहला है फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स द फंडामेंटल बिजनेस एंड मैनेजरियल कॉन्सेप्ट। एक मैनेजमेंट को जो फंडामेंटल बिजनेस और मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स है उनका नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम्पल, वॉट आर द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम एंड देयर फंक्शन, और वॉट आर द कम्पिटेटिव स्ट्रेटजी आर रिक्वायर्ड। किसी भी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। और ऐसी कौन सी कंपिटेटिव स्ट्रेटजी है जो रिक्वायर्ड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये नॉलेज होगा तभी उस सिस्टम को इफेक्टिवली यूज़ कर पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि जो फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए मैनेजर्स को। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब ये है सिस्टम कौन कौन से, उनके कंपोनेंट कौन कौन से, उनका फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स द ऑपरेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजमेंट, नेटवर्क एंड अदर टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं, हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन सिस्टम के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सब के ऑपरेशन का, कि ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करते हैं ये, डेवलपमेंट का और मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए मैनेजर को। तो यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट होता है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट कंपोनेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी, उनके ऑपरेशन का, उनके डेवलपमेंट का और उनके मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है बिजनेस एप्लीकेशन। इन सब इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बिजनेस में क्या एप्लीकेशन है। इट इंक्लूड्स द मेजर यूज ऑफ IT इन बिजनेस स्टेप्स, दैट इज प्रोसेस, ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटजिक कंपिटेटिव एडवांटेज। कौन कौन सी प्रोसेसेस हमारे बिजनेस के अंदर होती है, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन सी डिसीजन हमें लेने हैं, तो डिसीजन मेकिंग का और स्ट्रेटजिक कंपिटेटिव एडवांटेज का ये सब नॉलेज होना चाहिए कि जो IT का बिजनेस एप्लीकेशन है वो किस तरीके से होगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे प्रोसेस को सपोर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, कंपिटेटिव एडवांटेज को सपोर्ट करता है, तो इसकी बिजनेस एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से होगी ये मैनेजर को नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट प्रोसेसेस। इट कंप्राइज हाउ द एंड यूजर एंड IS स्पेशलिस्ट डेवलप एंड एग्जीक्यूट द बिजनेस IT सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। डेवलपमेंट की जो भी प्रोसेस है उसका नॉलेज होना चाहिए कि हाउ द एंड यूज़र, जो एंड यूज़र है, जो उसको यूज़ कर रहा है सिस्टम को, एंड IS स्पेशलिस्ट
मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें कुछ आईएएस स्पेशलिस्ट होते हैं, वो कैसे डेवलप करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं बिजनेस की आईटी सॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड आईटी सॉल्यूशंस को, तो डेवलपमेंट प्रोसेस का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट चैलेंजेस, इट इंक्लूड्स हाउ द फंक्शन एंड आईटी रिसोर्सेज आर मेंटेन्ड एंड यूटिलाइज टू अटेंड द टॉप परफॉर्मेंस एंड बिल्ड अप बिजनेस स्ट्रेटजीज। उनको ये देखना चाहिए कि आईटी के जो रिसोर्सेज है उनका किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए ताकि जो टॉप मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है, जो टॉप परफॉर्मेंस है वो ऑप्टेन की जा सके और बिल्ड की जा सके बिजनेस स्ट्रेटजीज। मतलब मैनेजमेंट के सामने ये चैलेंज होता है कि जो आईटी के रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो टॉप हमने जो परफॉर्मेंस प्राप्त करनी है वो हम प्राप्त कर सके और जो बिजनेस की स्ट्रेटजीज है उनको बना सके अच्छे से। तो ये पांच नॉलेज होना जरूरी है। पहला आता है फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स का, दूसरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, थर्ड इज़ बिजनेस एप्लीकेशन, फोर्थ इज़ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड फिफ्थ इज़ मैनेजमेंट चैलेंज। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी एक मेमोरी टेक्निक बनाई थी मैंने, वो मेमोरी टेक्निक है ये, फेसबुक में डेटा एंड इमेज कैसे मैनेज होते हैं। तो इसका क्या हो गया, फेसबुक में डेटा एंड इमेज कैसे मैनेज होते हैं। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि मैनेजमेंट को किस बात का नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि फेसबुक में डेटा एंड इमेज कैसे मैनेज होते हैं। तो एफ से हो गया फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, बी से हो गया बिजनेस एप्लीकेशन, डी से हो गया डेवलपमेंट प्रोसेस, आई से हो गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एम से हो गया मैनेजमेंट चैलेंज। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट दो छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो ये बोलते हैं, पहला तो कि आईटी इन बिजनेस वर्ल्ड, मतलब बिजनेस के कौन कौन से, जो बिजनेस वर्ल्ड है पूरा उसमें कौन कौन से एरियाज़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, एंड सेकंड इज़ एप्लीकेशन ऑफ आईटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डिफरेंट लेवल के मैनेजमेंट है उनके लेवल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि पूरे बिजनेस वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर आईटी का एप्लीकेशन किस तरीके से यूज़ होती है आईटी। दूसरा, मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल पे कैसे यूज होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केटिंग में होती है, मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, सप्लाई चैन मैनेजमेंट के लिए, नॉलेज मैनेजमेंट के लिए, रिटेलिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इन सभी एरियाज़ में आईटी का यूज़ होता है। सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है कि डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स जो है वो आईटी का यूज़ कैसे करते हैं। तो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो क्या करेंगे, डिसीजन स्ट्रेटजी बनाने में करेंगे, जैसे DSS, EIS, इंटरनेट, इंट्रानेट, लैपटॉप, इन सब का यूज़ करेंगे टॉप मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो ERP SAP जो हमने पढ़े थे, वो DBMS डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इंटरनेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वाईफाई, ये सब टूल्स यूज़ करते हैं। ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। एंड लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है वो CCTV कैमरा, प्रिंटर एंड स्कैनर, क्योंकि उनका जो वर्क होता है वो डे टू डे के वर्क से रिलेटेड होता है, तो वो CCTV कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर और को यूज़ करते हैं। तो ये छोटे से क्वेश्चन दो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये पॉइंट सबको रिमेंबर करना है कि जो मार्केटिंग, CRM, सप्लाई, ये जो मैनेजमेंट के तीन पॉइंट है, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चैन मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मार्केटिंग से आप ऐसे याद कर सकते हो, मार्केटिंग मतलब रिटेलिंग, मार्केटिंग, रिटेलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और ये हमने पढ़ी थी कि कौन कौन से लेवल के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट, इंट्रानेट और लैपटॉप, डेस्कटॉप, वाईफाई, ये सब तो सभी यूज़ करते हैं। यहाँ पर मॉड्यूल में लोअर लेवल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन लोअर लेवल भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, वाईफाई, इंटरनेट, इंटरनेट का तो यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा प्रिंटर, स्कैनर तो करते हैं, लेकिन ये भी यूज़ करते हैं लोअर लेवल। तो यहाँ पे हमारे दो छोटे से क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, वो भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द बिजनेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम का बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कुछ बता रखी है, कौन कौन सी है। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प मैनेजमेंट इन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो जो डिसीजन मेकिंग है वो एफिशिएंटली कर सकता है, क्योंकि उनको बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, जैसे DSS हो गया, EIS हो गया, MIS हो गया, तो वो डिसीजन एफिशिएंटली ले सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन विल एबल टू सर्वाइव इन हाईली कम्पिटेटिव एनवायरमेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वेल डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अगर इन्फॉर्मेशन सिस्टम वेल डिज़ाइन होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव कर पाएगा इस कम्पिटिशन के एनवायरमेंट में। जैसे हमने देखा था नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है तो नॉलेज का यूज़ करता है, और मार्केट कंडीशंस कैसी है, DSS होता है वो डिसीजन लेके देता है। इसके अलावा जो ERP सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो सब क्या होता है, सारी जो कम्पिटेटिव एडवांटेज जो एक
बिजनेस प्राप्त कर सकता है उसके बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हमने वेल डिज़ाइन कर रखा है अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम को तो कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन सिस्टम हेल्प इन मेकिंग द राइट डिसीजन एट राइट टाइम, दैट इज़ जस्ट ऑन टाइम। डिसीजन राइट टाइम पे लेता है और राइट डिसीजन लेता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी अवेलेबल होती है। जैसे ही मार्केट कंडीशंस चेंज हुई तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो राइट टाइम पे अवेलेबल होती है, तो डिसीजन भी राइट टाइम पे आएगा। नेक्स्ट इज अ गुड इन्फॉर्मेशन सिस्टम मे हेल्प इन जनरेटिंग द इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर सॉल्विंग द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है नॉलेज गैदर्ड थ्रू द इन्फॉर्मेशन सिस्टम मे बी यूटिलाइज बाई मैनेजर इन अनयूजुअल सिचुएशन। कुछ अनयूजुअल सिचुएशन आने पर जो मैनेजर है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प लेके और उसका नॉलेज यूटिलाइज कर सकता है। जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि नॉलेज बेस के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का नॉलेज जो है वो एक साथ स्टोर रहता है, तो मैनेजर उसको यूज़ कर सकता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ व्यूड एज अ प्रोसेस, इट कैन बी इंटीग्रेटेड टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी एक्शन एंड ऑपरेशन। इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हम एक प्रोसेस की तरह देखते हैं। हमने देखा था कि जो स्ट्रेटजिक लेवल के मैनेजमेंट है वो EIS को यूज़ करते हैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए और एक्शन, ताकि उसके एक्शन और ऑपरेशन हो सके। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के लिए और जो उसका एक्शन और ऑपरेशन करने के लिए जो हेल्प करते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो आप देखेंगे तो मोर एंड लेस जो मैनेजमेंट डिसीजन से रिलेटेड है। मैनेजमेंट क्या होता है, हम ऐसे सोचेंगे कि मैनेजमेंट है, उसके पास कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है, इसके अलावा उसको डिसीजन लेना होता है, तो ये डिसीजन में हेल्प करता है। डिसीजन एक तो क्या होता है कि डिसीजन में हेल्प करता है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है मैनेजमेंट की, तो उसके लिए ये इनोवेटिव आइडियाज़ जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो ये भी मैनेजर्स के लिए है कि मैनेजर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो अनयूजुअल अगर कोई सर्कमस्टांसेस आ गई तो उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। इसके अलावा हम इसको एक प्रोसेस की तरह देख सकते हैं, जो स्ट्रेटजी तो स्ट्रेटजिक लेवल के मैनेजमेंट को स्ट्रेटजीज बनाने के लिए काम आता है ये। और इस हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, तो दो पॉइंट अगर हम देखेंगे तो टॉप लेवल से रिलेटेड हो गए। एक तो उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनानी होती है, तो स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम इसको प्रोसेस की तरह देख सकते हैं जो स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता है। दो पॉइंट टॉप मैनेजमेंट के हो गए, बाकी ये मैनेजमेंट के नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, इनोवेटिव आइडिया देता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो कि मैनेजर है उनको अनयूजुअल कोई सिचुएशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे बहुत ही जनरल डिस्कशन, ये बहुत बड़ा है लेकिन जनरल डिस्कशन है, हम इसको रीड करेंगे तो एक बार में हमें समझ आ जाएगा। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अ बिजनेस मॉडल कैन बी डिफाइंड एज आउटलाइन ऑफ हाउ बिजनेस इज टू बी डन बाय अ कंपनी टू जनरेट द मैक्सिमम रेवेन्यू। अ बिजनेस स्ट्रेटजी इज डिफाइंड एज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द सक्सेस, दैट इज टैक्टिक्स दैट आर अप्लाइड टू द मैनेज फॉर द बिजनेस फॉर इंक्रीजिंग द बिजनेस रेवेन्यू। इट एम्फेसिस ऑन कंपटीशन दैट बिजनेस मॉडल डज नॉट। अ गुड बिजनेस स्ट्रेटजी इज वन दैट अनेबल्स द कंपनी सेटिस्फाइड द कस्टमर, यूज द रिसोर्सेज एफिशियंटली एंड एक्सप्लोर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस टू हेल्प एंड इंस्पायर द कंपनी एक्सपेंशन। पहले पैरा में ये बोल रहा है कि हम बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सके, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके और जो भी रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंटली यूज़ कर सके, ताकि जो बिजनेस है वो अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचान सके और जो भी स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको अप्लाई करके और हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, ताकि जो कंपनीज का एक्सपेंशन है वो इससे इंस्पायर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में मेनली यही बोला है कि जो बिजनेस है उसको हम ऐसे देखें तो ये एक मॉडल है जो ये डिफाइन करता है कि हम मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजीज कैसे बनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, इसके अलावा कस्टमर का सेटिस्फाइड कैसे करें, एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज़ कैसे करें और स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके और हम अपनी कंपनी के एक्सपेंशन को इंस्पायर कर सकते हैं। एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ कंपनी। कंपनी के साइज पर डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमें लार्ज रखना है या फिर स्मॉल रखना है।
and can help in decision making, produce high quality product and perform the logistical function. ये decision making में help करता है information system. High quality के product को हम develop कर सकते हैं क्योंकि quality assurance होता है इससे. इसके अलावा logistical जो functions हैं, हमें transportation के लिए कौन सा route select करना है वो भी decision लेके देता है decision support system. तो उस तरीके से ये तीनों functions इससे carry हो सकते हैं. An information system can assist in determining the scenarios such as achievements and streamline the strategic planning process that can help the top management in the corporate decision. जो ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उनको स्ट्रेटजी बनाने में और स्ट्रीमलाइन करने में. स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं और जो प्लानिंग है उसको स्ट्रीमलाइन करना, स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना. इन ऑपरेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन अप्लाई टू द प्रोडक्शन कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन कैन अप्लाई टू द प्रोडक्शन कंट्रोल. इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करके, और रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आते हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन इन एरियाज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन हेल्प इन रिटेनिंग द हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉयड. ह्यूमन रिसोर्सेज जो हाई क्वालिफाइड है उसको रिटेन करने के लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें हेल्प करते हैं. बाई हैविंग द इम्पॉर्टेंट डेटा कंसर्निंग एम्प्लॉय ऑब्टेन आफ्टर द सेवरल प्रोसेस यूज बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और पर्सनल. ये ऑब्टेन करते हैं वेरियस इन्फॉर्मेशन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और पर्सनल है उनकी, फिर उसमें से जो हाई क्वालिफाइड जो भी इम्प्लॉयज़ होते हैं उसको रिटेन कौन कौन से है वो बताता है कंपनी को, उससे हम उसको रिटेन करके रख सकते हैं. इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट द लॉजिस्टिकल प्रोसेस इन वेरियस वेज सच एज रियल टाइम इंक्वायरीज टू ट्रैक एन आइटम एंड पॉइंट ऑफ शिपमेंट. लॉजिस्टिक में कैसे हेल्प करता है, जैसे कि रियल टाइम इंक्वायरीज ट्रैक द आइटम, हम आइटम को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पर पहुँचा एंड पॉइंट ऑफ शिपमेंट क्या है ये भी देख सकते हैं. रिसीविंग एंड स्टोरेज द आइटम इन्वेंट्री स्टेटस ऑफ द आइटम, वो रिसीव हो गया स्टोर हो गया कि नहीं उसके स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस द इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैन ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स डेटाबेस मैनेजर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये क्या करता है ये डेटाबेस को मैनेज करने का काम, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन का काम, प्रोग्राम्स को ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए. प्रोग्रामर्स कौन होते हैं, प्रोग्राम बनाने वाले, उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट का काम, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं और न्यू प्रोजेक्ट्स हैं वो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन का काम भी इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है. इन दिस स्टेज द टेक्नोलॉजी एंड कंपटीशन एंटरप्राइज आर लुकिंग फॉर नोवेल आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन दैट कैन एनहांस एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस. आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो लोगों को ये चाहिए कि उन्हें नए नए आइडियाज़ आए ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सके, कैपेसिटी को एनहांस कर सके. इन ऑर्डर टू अचीव दिस दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन इन्फॉर्मेशन सिस्टम. इन्फॉर्मेशन इज यूज इन वेरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस राइट फ्रॉम द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, रिटेलिंग कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फ्यूचर फोरकास्ट ऑफ सेल्स, सप्लाई चैन मैनेजमेंट, ERP, डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, MIS, इंटरनेट, इंटरनेट, एक्सट्रानेट आर द इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट द मैनेजमेंट एट एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस. तो ये सारे क्या है, जो इन्फॉर्मेशन टूल्स हैं वो बिजनेस में यूज़ होते हैं. इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हमने डिस्कस किए वो बिजनेस में यूज़ होते हैं. तो ये सब उनके नाम है. अब इसमें दो पैराज है जिसमें ये दिख रखा है, एक में तो कि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उसको कैसे हेल्प करता है, और दूसरा जो कि मिडल एंड बॉटम लेवल है उसको कैसे हेल्प करता है. तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट इंटरेस्ट एंड स्पेशलिटीज़ and level of the organization. The organization comprise of strategic management and knowledge operational level which is further divided into functional areas. ये बोल रहा है कि organization में जो different different interest के लोग हैं, मतलब top level को अलग interest है उनकी, उनको strategy बनानी है. middle level की जो top level ने बनाई उसको implement करने का काम middle level का होता है. इसके अलावा operational level पे हमारे भी कुछ जो employees के direct touch में होते हैं वो वाले managers होते हैं. तो यही बोल रहे हैं कि अलग अलग इंटरेस्ट और स्पेशलिटीज़ होती है, उसके बेसिस पर उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की नीड होती है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी लेयर होती है, स्ट्रेटजिक लेवल, नॉलेज लेवल, ऑपरेशनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल. इसके अलावा इसके बाद में भी फंक्शनल एरियाज के अंदर भी से हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स. तो इन सबको अपनी अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल द सेल्स एरिया यूजेज द ऑपरेशनल लेवल सिस्टम टू ट्रैक द डेली सेल्स. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हमारा जो सेल्स एरिया है
वो क्या करेगा कि जो ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करेगा जो डेली सेल्स को ट्रैक कर सके, ट्रैक द डेली सेल्स फिगर. अ नॉलेज लेवल सिस्टम डिजाइंस द प्रमोशनल डिस्प्ले ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अ मैनेजमेंट लेवल सिस्टम, जो नॉलेज लेवल सिस्टम है वो क्या करेगा कि प्रमोशन कैसे करना है उसको डिस्प्ले करेगा, क्योंकि उसके पास में नॉलेज लेवल के पास में जो नॉलेज होगा उसके बेसिस पे दिखेगा कि प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए. अ मैनेजमेंट लेवल सिस्टम जनरेट द रिपोर्ट ऑन मंथली सेल्स बाय अ टेरिटरी. एंड स्ट्रेटजिक लेवल सिस्टम प्रिडिक्ट्स द सेल्स ऑफ कमिंग इन द 5 ईयर. ये बोल रहा है कि जैसे एक अगर हम एग्जांपल लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पर जो ऑपरेशनल लेवल होगा वो तो क्या करेगा कि डेली सेल्स को फिगर्स है उसको ट्रिगर करेगा कि कौन कौन सी कितनी सेल्स हमारी है. उसके अलावा जो नॉलेज लेवल होगा वो क्या करेगा, प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए वो बनाएगा. और जो मैनेजमेंट लेवल है वो ये करेगा कि मैनेजर को रिपोर्ट देगा डेली वीकली सेल्स की. इसके अलावा जो स्ट्रेटजिक लेवल होगा वो स्ट्रेटजी बनाएगा और देखेगा कि जैसे कि आने वाले 5 सालों में कितनी सेल्स हो सकती है. मैनेजर और बिजनेस प्रोफेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, बट दे हैव नो द की एरियाज ऑफ द नॉलेज रिक्वायरमेंट. उनको ये बेसिक नॉलेज, ये बोल रहा है मैनेजमेंट को डिटेल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. हमने जो पहले रीड किया था वो ये कि कौन कौन से नॉलेज होनी चाहिए, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मैनेजमेंट चैलेंज. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इसमें केवल कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई, आप इसको एक दो बार रीड कर लेना, थोड़ा बहुत आपको याद रह जाएगा इसमें से. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन एज की बिजनेस असेट एंड इट्स रिलेशन टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस. यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन के बारे में रीड करेंगे कि ये की बिजनेस असेट किस तरीके से है. तो यहाँ पर हम इसका रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ये बोल रहा है, इन टूडेज डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट इट बिकम्स मैंडेटरी टू हैव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ द कस्टमर बाइंग हैबिट्स मार्केट स्ट्रेटजी फॉर एन एंटरप्राइज. आज के जो कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है उसके पास में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में कस्टमर की बाइंग हैबिट्स क्या क्या है उसकी नॉलेज होना चाहिए. इसके अलावा मार्केट स्ट्रेटजी की नॉलेज होना चाहिए. टाइमलीनेस, एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल एक्शन ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी. जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर टाइमली मिलेगी तभी वो यूज़फुल होगी. इसके अलावा मीनिंगफुल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट होनी चाहिए और एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए. तभी वो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को और कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डील कर पाएगा डेवलप इन द मिशन, कंपटीशन, परफॉर्मेंस एंड चेंज. वो अपने मिशन को डेवलप कर पाएगा इस इन्फॉर्मेशन की वजह से. कंपटीशन एनवायरनमेंट में कैसे रहना है वो डिसाइड कर पाएगा. उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी और चेंज भी कर सकता है कुछ अगर उसको चेंज की ज़रूरत है. जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो उसको चेंज करने की ज़रूरत होगी. तो ये सब क्यों कैसे पॉसिबल होगा जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी. द इन्फॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैनेजमेंट है उनको डिफरेंट जो तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. तो टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन नीड होती है वो हम रीड करेंगे. द टॉप लेवल मैनेजमेंट जनरली कंप्राइज ऑफ द ओनर, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट्स चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और द मैनेजर कमेटी हैविंग द की ऑफिसेज. द मिडल लेवल मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ द हेड ऑफ द फंक्शनल डिपार्टमेंट. ये बोल रहा है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें मेनली कौन कौन से लोग होंगे, CEO, ओनर, शेयर होल्डर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब टॉप लेवल में आते हैं. और जो फंक्शनल हेड होते हैं वो आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में. एग्जांपल जो परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड डिविजनल सेक्शनल ऑफिसर, ये सब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में. वर्किंग अंडर द फंक्शनल हेड, वेयर एज द लोअर लेवल मैनेजर्स आर सुपरिंटेंडेंट एंड सुपरवाइजर. जो लोअर लेवल उसमें सुपरवाइजर और जो होते हैं वो आते हैं. तो टॉप लेवल में जो CEO और आगे और जो मिडिल लेवल उसमें फंक्शनल जो हेड होते हैं वो आगे और लोअर लेवल में जो सुपरवाइजर आते हैं वो होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्राइव्स फॉर द इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प इन द मेजर पॉलिसी डिसीजन सच एज एस्टेब्लिश अ न्यू प्लांट. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उनको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे वो डिसीजन ले सके किसके बारे में, एस्टेब्लिश अ न्यू प्लांट.
किसी न्यू प्लांट को एस्टेब्लिश किया जाए या नहीं, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है कि नहीं, इसके लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि कस्टमर की डिमांड क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या होगी, तो इसके बेसिस पे वो अपने ये सब डिसीजन लेगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स द स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन. जो टॉप लेवल है उसको स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट हेल्प देम इन द मेकिंग द स्ट्रेटजी ऑफ एन एंटरप्राइज इन टर्म्स ऑफ स्कोप ऑफ प्रोडक्ट, टारगेट ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज कस्टमर, कंपटीशन एंड मार्केट, प्राइस, क्वालिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग. जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन चाहिए. किसी भी जो जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है, मतलब कितने डिमांड होगी, कस्टमर कितना एक्सेप्ट करेंगे उसको, टारगेट ऑफ प्रोडक्ट, हम अपने टारगेट्स क्या क्या रखने हैं, दैट इज़ कस्टमर, कंपटीशन, कस्टमर कस्टमर की कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, कंपटीशन का लेवल क्या है विद द मार्केट, प्राइस, क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग. वो प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं, इसके अलावा क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है. तो इस तरीके की डिसीजन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं उनको ऐसे डिसीजन लेने के लिए स्ट्रेटजिक लेवल की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर बाइंग हैबिट सच एज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर लाइकली टू परचेज टुगेदर हेल्प द टॉप मैनेजमेंट टू डिसाइड द लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. ये बोल रहे हैं कि कस्टमर की बाइंग हैबिट का भी नॉलेज होना चाहिए और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट जिसको कॉम्बिनेशन में परचेज करते हैं, जैसे पेन एंड इंक दो कॉम्बिनेशन है तो इस दोनों कॉम्बिनेशन में परचेज करते हैं, तो ये सब जब नॉलेज होगी तभी वो डिसीजन ले पाएंगे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में. एग्जाम्पल, इफ़ द इन्फॉर्मेशन लाइक कस्टमर हुज इनकम इज़ मोर देन 1 lakh rupees एंड वर्किंग इन द IT सेक्टर देन हैबिट ऑफ बाइंग द लेटेस्ट मॉडल ऑफ लैपटॉप आर मोर इन अ सिटी वेयर द लार्ज नंबर ऑफ IT कंपनीज आर एग्जिस्टिंग देन इट इज़ बेटर टू लॉन्च नोटबुक विद द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देयर. ये बोल रहा है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक सिटी ऐसी है जहाँ पर जो कस्टमर है ज़्यादातर जो IT इंडस्ट्रीज के हैं वो है, और उनके क्या हैबिट है कि और सबकी इनकम क्या है 1 lakh rupees से ऊपर है, मतलब उनके पास 1 lakh rupees से ऊपर मंथली इनकम आती है, और वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई नया लैपटॉप है वो लॉन्च होता है, वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है, वो उसको बाय कर लेते हैं. तो ये बेटर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने नोटबुक जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं ऐसी सिटी के अंदर उसको बेचे ताकि जो उसकी डिमांड होगी वहाँ पर ज़्यादा होगी. सच इन्फॉर्मेशन हैज द टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी डिसाइड वर्क ऑन न्यू प्रोडक्ट एज वेल एज लोकेशन वेयर इट इज़ टू बी लॉन्च फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट. एक तो ये इन सब इन्फॉर्मेशन से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिसाइड करते हैं कि किसी नए प्रोडक्ट उसे कौन सी लोकेशन में लॉन्च करना है ताकि उसकी डिमांड को मैक्सिमाइज किया जा सके और सेल्स को मैक्सिमाइज किया जा सके. तो ये गोल्स होते हैं टॉप मैनेजमेंट के, उसके अकॉर्डिंगली उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट इज मिडल लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर द टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन बाय द टॉप मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर लाइकली टू परचेज सर्टेन प्रोडक्ट इन अ सिमिलर लोकेशन कैन हेल्प सेल्स मैनेजर टू फुलफिल देयर सेल्स टारगेट एफिशिएंटली. ये बोल रहा है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी स्ट्रेटजीज बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए वैसी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सेल्स मैनेजर है तो उसको कस्टमर की बाइंग हैबिट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि अपनी सेल्स को वो मैक्सिमाइज कर सके. अब ये क्या हो गया, सब गोल हो गया, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका काम है कि उसकी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ऐसी लोकेशन में लॉन्च करना ताकि सेल्स मैक्सिमाइज हो सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके. उसी तरीके से अगर सेल्स हेड है मिडिल लेवल, तो उसकी टारगेट सेल्स को पाने के लिए वो भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. तो यहाँ पर क्या हुआ कि गोल सेट किया मैक्सिमम सेल का और ये उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन इज़ यूज फॉर द शॉर्ट टर्म प्लानिंग वेयर इज स्ट्रेटजी इन्फॉर्मेशन इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग. ये बोल रहा है जो स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन होती है उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं जो स्ट्रेटजिक मैनेजर होते हैं वो, लेकिन जो टेक्टिकल लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं और उससे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको अचीव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ऑफर्स ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन आर द शॉर्ट टर्म प्लानिंग विच इज़ डन बाई हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर बाइंग कैपेसिटी एंड दैट लोकेशन. ये बोल रहा है कि जैसे कि अगर कोई फेस्टिव आ गया, जैसे दीपावली आ गया, तो लोग क्या करेंगे, क्या क्या खरीदने में इंटरेस्ट रखेंगे, क्रैकर्स, नए कपड़े, तो उस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन जब मिडिल लेवल के पास में होगी तो उस तरीके से अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं. तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी उस दीपावली के फेस्टिवल के अकॉर्डिंग. द लोअर लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स द ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन. लोअर लेवल जो होते हैं ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, तो उनको ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए विच इज़ रिक्वायर्ड टू डे टू डे एक्टिविटीज़. द ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन मेनली कंप्राइज ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक इन हैंड, इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर ऑर्डर पेंडिंग, इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिल पेबल बाई कस्टमर एक्सेट्रा. तो इनको
ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक के बारे में हो सकती है, कस्टमर ऑर्डर जो पेंडिंग पड़े हैं उनके बारे में हो सकती है, और पेबल बाय बिल पेबल बाय द कस्टमर, कस्टमर से कितने रुपए लेने हैं, बिल पेबल कितना है, वो सब हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ रेगुलर कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट अदर देन द डेली परचेज, देन दिस इन्फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्समैन बिकॉज इट हेल्प हिम टू प्रोवाइडिंग अ बेटर सर्विस. जैसे कि अगर कस्टमर जो नॉर्मल से अलग कुछ डिमांड करता है, एक कस्टमर है जो नॉर्मली किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड करता है लेकिन कभी इसने आके और कुछ अदर प्रोडक्ट की डिमांड भी कर दी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होगी वो ऑपरेशनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होगी ताकि वो बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके. तो इस तरीके से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है. तो इन्फॉर्मेशन तीन तरीके की होती है, टॉप लेवल के लिए, मिडल लेवल के लिए, बॉटम लेवल के लिए. अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से इनकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है. तो फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो है वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन. जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो अलग अलग बिजनेस में किस तरीके से यूज़ आते हैं, तो उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. इन्फॉर्मेशन सिस्टम के आने से क्या हुआ है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो एकदम ही बदल चुका है. आजकल जो हम कहीं से भी जो एक माउस का क्लिक करके और कहीं से भी एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस कर सकते हैं, इससे क्या हुआ है कम्युनिकेशन की जो टाइम है वो कम लगती है, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है. अब डिफरेंट यूज़ में इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसे यूज़ आता है उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट आता है ई बिज़नेस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंक्लूड द परचेज, सेल, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, सपोर्ट सर्विसेज एंड इन्वेंट्री थ्रू द इंटरनेट टेक्नोलॉजी. इंटरनेट के थ्रू ये सब फंक्शंस अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम ई बिज़नेस बोलेंगे. ई बिज़नेस का एडवांटेज क्या होता है, ये 24 आवर्स सेल प्रोवाइड करता है, मतलब 24 घंटा हम कहीं से भी सेल परचेज कर सकते हैं. वहीं अगर कोई ट्रेडिशनल शॉप्स होती तो वो 24 आवर्स खुली नहीं रह सकती थी, लेकिन इंटरनेट के थ्रू हम 24 आवर्स सेल हो सकती है. लोअर कॉस्ट लगती है ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर शॉप्स अलग अलग जगह पर सेटअप करने की जरूरत नहीं होती है. मोर एफिशिएंट बिज़नेस रिलेशनशिप मोर एफिशिएंटली मैनेज होती है. एलिमिनेट द मिडलमैन जो होते थे पहले, उनका एलिमिनेशन होने से क्या हुआ, कॉस्ट जो है वो कम आती है, जिससे हम सेलिंग प्राइस भी अपनी थोड़ी सी कम रख सकते हैं, जिससे प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा. अनलिमिटेड मार्केट प्लेस है. कोई भी कंट्री में, अगर कंट्री की वेबसाइट है लेकिन दूसरी कंट्री के कस्टमर भी खरीद सकते हैं. इसके अलावा पूरी कंट्री के अंदर कहीं से भी कोई भी कस्टमर है वो परचेज कर पाएगा. एंड एक्सेस विद द ब्रॉडर्न कस्टमर, ब्रॉडर्न कस्टमर बेस हो गया, मतलब बहुत सारे कस्टमर से जुड़ सकते हैं. सिक्योर्ड पेमेंट सिस्टम, पेमेंट जो ऑनलाइन होता है वो सिक्योरिटी के साथ में होता है. ईजियर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फास्ट अपडेटिंग क्या होती है, फास्ट हो सकती है, इसके साथ ही जो बिजनेस करना ईजी हो गया है. दिस इज़ सो बिकॉज डज नॉट रिक्वायर अ लैंड फॉर द स्टोर और शॉप्स. हम अपने स्टोर के लिए, शॉप्स के लिए लैंड रिक्वायर्ड नहीं होता, सारा जो काम है सारा ऑनलाइन हो रहा है. एंड anyone from anywhere can do business anytime as information regarding the product etc. is available on web. हमारे जो प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो वेब पर अवेलेबल होती है, तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बिजनेस कर सकता है. ओनली इन्वेस्टमेंट नीडेड इज द परचेज ऑफ स्पेस ऑन इंटरनेट. कहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है कि हमें इंटरनेट पर स्पेस परचेज करना है, उसका इन्वेस्टमेंट लगता है. इसके अलावा जो हम वेबसाइट को डिज़ाइन और मेंटेन करते हैं उसका खर्चा लगता है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं लगता है. डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस कैन बी डन, कौन कौन से हो सकते हैं, B2B, B2C, C2C, C2B एक्सेट्रा. तो इससे क्या हुआ है, IT के आने से डेफिनेशन ही चेंज हो गई बिज़नेस की. सारा जो काम है वो ऑनलाइन होता है, 24 आवर एक्सेस होता है, एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस होता है. ये सब मैनेजमेंट के काम है वो सारे इंटरनेट के थ्रू जाते हैं. इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है. इन्वेस्टमेंट खाली हमारा किस में होगा, जो हमने वेबसाइट मेंटेन की है या फिर इंटरनेट पर स्पेस लिया उसका होगा, कोई अलग से स्टोर और एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है. अगला आता है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स. ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, बिल्डिंग सोसाइटीज़ हो सकती है, लाइफ इंश्योरर हो सकते हैं. इनके पास में क्या होता है, डेटा बहुत ही बड़ी अमाउंट में होते हैं, क्योंकि इनके कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं. एक बैंक के कितने सारे कस्टमर होते हैं, उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इनको बहुत सारा कस्टमर का डेटा है वो मेंटेन करना पड़ता था. जब मैनुअल सिस्टम था तो उसके अंदर डेटा को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन आजकल क्या होता है, सारा काम ऑनलाइन होने से क्या हो गया, बड़े बड़े जो मेनफ्रेम्स सिस्टम लगे हुए होते हैं, मेनफ्रेम्स कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, वो सारे डेटा को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है वो ऑपरेट कर सकते हैं नेशनली, मतलब कहीं पर भी अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं. पहले क्या होता था कि लिमिटेड स्कोप होता था, क्योंकि इनको डेटा बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता था. और इसके अलावा जो क्या है, कस्टमर्स के लिए भी सुविधा हो गई, क्योंकि वो एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी
एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अगर बैंक में कोई फंड डिपॉजिट कराना है या विड्रॉल करना है तो वो सारा एक घर पे बैठे बैठे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही हो सकता है। तो मैंने इससे क्या हुआ है कि कस्टमर को भी फ़ायदा हुआ है और जो बिजनेस है उनको भी फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई बैंक की नई नई पॉलिसी आती है, इंश्योरेंस कंपनी की नई नई पॉलिसी आती है, तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए एक SMS छोड़ना पड़ता है या ईमेल भी कर सकते हैं। उस कस्टमर तक पहुंचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि उससे फिजिकली पहुंच के उसको बताया जाए। तो इस तरीके से फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स है उसमें भी IT का इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है होलसेलिंग एंड रिटेलिंग। अगर हम किसी रिटेल या होलसेल शॉप में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि IT का कितना वाइटल पार्ट बन चुका है उस बिज़नेस का। जैसे कि अगर जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जैसे वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो बारकोड रीडर लगा हुआ होता है। बारकोड रीडर से क्या होता है, वो उसको रीड कर लेता है, जिससे पता लग जाता है कि उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। उसके लिए अलग अलग लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बारकोड रीडर से पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी रीड हो जाती है। इसी तरीके से जो स्कैनर्स है वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो बहुत सारे अपनी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के बाइंग की मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के लिए कस्टमर की इन्फॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, स्टॉक कंट्रोल के लिए, जो सेल किया है उसको कैप्चर करने के लिए, आइटम्स को सोल्ड करने के लिए, ये सब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये लिखा गया है कि लेजर स्कैनर यूज़ होते हैं इन द सुपर मार्केट्स फॉर बारकोड आर अमंग द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये रीड कर लेता है बारकोड को, उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो उससे रीड कर लेता है। बाई यूजिंग द इंटरनेट और मोबाइल फोन्स रिटेल कैन कलेक्ट द एक्सचेंज डेटा बिटवीन द स्टोर। ये बोल रहा है कि जो कोई भी रिटेल स्टोर है उसकी बहुत सारे अगर ब्रांचेज है, बहुत सारे स्टोर्स है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, बहुत सारे सप्लायर्स है, बहुत सारे और उसको अगर खुद के हेड ऑफिस से भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या इन सबको इन्फॉर्मेशन देनी है तो उस तक पहुँचने के लिए वो इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए भी ईजियर काम हो चुका है ये। नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल हो गए, वो भी IT का यूज़ करते हैं आजकल, तो उससे उनका भी काम बहुत आसान हो गया। जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती है तो उसमें अगर हम ERP का यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम लाइक ERP कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द यूनिवर्सिटी, तो फिर वो ERP क्या करेगा, रिकॉर्ड्स रख सकता है एम्प्लॉयज़ का क्या रिकॉर्ड रखेगा, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, उन्होंने लीव्स कितनी ली और कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसके अंदर यूनिवर्सिटी में, अचीवमेंट्स क्या क्या है उसकी एम्प्लॉयज़ की, और उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकता है। इस तरीके से जो ERP है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं उसको कितना रेमोनरेशन पे करना है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस स्टेशन है उसमें FIR हमें दर्ज करानी है, अगर तो पहले क्या करना पड़ता था, हमें फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या होता है सारा काम ऑनलाइन हो गया तो हम घर बैठे बैठे भी जो FIR है वो फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट है तो उसके लिए अप्लाई भी हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अदर्स पब्लिक सेक्टर हो गया। अब अदर्स को ये बोल रहे हैं कि जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ है, गेम्स और के लिए भी आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सारे गेम्स होते हैं वो खेल सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, अगर फार्मर्स को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट ए माउस क्लिक से उनको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। इस तरीके से अगर टूर इंडस्ट्री है, रेलवे की रेलवे, होटल, एयरलाइंस रिजर्वेशन, एयरलाइन में रिजर्वेशन कराना है, रेलवे में रिजर्वेशन कराना है, तो हमें रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे बैठे उसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं। होटल में बुकिंग करनी है या कोई कंसल्टेंसी सर्विस लेनी है, तो इस तरीके से IT ने जो स्टाइल है बिजनेस वर्ल्ड का वो ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है और इसको सिंपल बना दिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें कौन कौन से पॉइंट आ गया, ई बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स, होलसेलिंग एंड रिटेलिंग, पब्लिक सेक्टर्स एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ओवरव्यू ऑफ IT टेक्नोलॉजी। अब ये बोलता है कि एक बिजनेस के अंदर हम कौन कौन से IT टूल्स का यूज़ करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा, IT टूल्स की बात कर रहे हैं। तो IT टूल में टूल्स में तो डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, इंट्रानेट, वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर सब कुछ आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस वेबसाइट। ये बोल रहा है कि आजकल जो जितने भी बिजनेस है उनकी वेबसाइट तो होती ही है, तो वेबसाइट से क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर तक पहुंच सकते हैं एक साथ, क्योंकि कस्टमर को वेबसाइट पर उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन जो सिस्टम हो गया ई-कॉमर्स का, तो उससे क्या होता है कस्टमर ऑनलाइन बाइंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी बिजनेस को अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो एडवर्टाइजमेंट भी उस वेबसाइट के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी हो सकता है। इस वेबसाइट को बनाने के लिए कौन कौन से लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, HTML, XML, ASP.NET।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेट और इंटरनेट। हमें पता है इंटरनेट तो अच्छी तरीके से कि कम्युनिकेशन का बेस्ट सोर्स होता है ये इंटरनेट और इंट्रानेट। अगर किसी कंपनी मीटिंग कंडक्ट करनी है और अलग अलग जगह पे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो वो इंटरनेट के थ्रू जुड़ सकते हैं वेबकैम लगा के और फिर उसके थ्रू जुड़ सकते हैं आपस में, तो उसे टाइम भी कम लगेगा और हमारी कॉस्ट भी सेव हो जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट पर जितने भी ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं उसमें स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो इंट्रानेट होता है वो इंट्रानेट किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है वो एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन उसका यूज़ करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर और सीनियर स्टाफ के बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है, वो इंटरनेट के थ्रू हो सकती है। इसके अलावा ई कॉमर्स अमंग द पार्टनर्स सप्लायर, जो ई कॉमर्स है अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, जो हमारे सप्लायर है, जो हमारे होलसेलर रिटेलर है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो जो ई कॉमर्स फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू इन सब के लिए। एंड ईमेल प्रोवाइड अ न्यू प्लेटफॉर्म टू द बिजनेस वर्ल्ड फॉर कंडक्टिंग अ बिजनेस फास्टर एंड ईजियर वे। ई कॉमर्स प्रोवाइड द बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस कम्युनिकेशन विद अ माउस क्लिक। ईमेल ने भी जो काम करने का तरीका हमारा आसान कर दिया है और न्यू प्लेटफॉर्म दिया है बिजनेस वर्ल्ड को। इसके अलावा B2B, B2C, C2B एंड C2C ट्रांजेक्शन्स है वो इंटरनेट और इंटरनेट के आने से हो सकता है, और ईमेल का कम्युनिकेशन भी इंटरनेट होगा तभी होगा। तो इस तरीके से इंटरनेट और इंटरनेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का होना, इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क होता है लेकिन इंटरनेट किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क होता है, जिससे कि वो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के साथ, ब्रांच के साथ में, मैनेजर सीनियर स्टाफ के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं। अगला आता है सॉफ्टवेयर एंड पैकेज। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ करते हैं, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने पढ़ा था कि जैसे पहले क्या होता था, मैन्युअली डेटा स्टोर रहता, तो हमें कोई भी डेटा अगर चाहिए तो मैनेजमेंट को मैन्युअली जाकर उसको ढूंढना पड़ता है। इसके अलावा ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी, डेटा बहुत ह्यूज अमाउंट में होता, तो हमें अगर किसी स्पेसिफिक डेट का डेटा चाहिए तो हमें उसको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन DBMS के आने से क्या हुआ, सारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होता है तो एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने डेट इनपुट कर दी तो उससे रिलेटेड डेटा हमें क्विकली मिल जाएगा। तो इस तरीके से डेटा DBMS, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग टूल्स भी आ गए हैं, जिसमें हम डेटा अगर ढूंढना है तो माइनिंग कर सकते हैं, उसकी नॉलेज डिस्कवरी भी हो सकती है। कैन बी यूज एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। सॉफ्टवेयर डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे हमने देखा था DSS एक्सपर्ट सिस्टम। इसके अलावा हैविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बाइंग हैबिट ऑफ द कस्टमर, सेल ऑफ प्रोडक्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजिक, ये बोल रहा है कि अगर हमें कस्टमर की हैबिट्स का पता है तो हमारी जो प्रोडक्ट की सेल करने में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में आसानी हो जाएगी और हम इफेक्टिवली और क्विकली बना सकते हैं विद डेटा माइनिंग टूल्स एंड नॉलेज डिस्कवरी। नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस नॉलेज को डिस्कवर करके कि कस्टमर की बाइंग हैबिट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्लानिंग, परचेजिंग, रिप्लेसमेंट एंड लॉजिस्टिक एंड स्पेस मैनेजमेंट, ये सारा काम क्या होता है, इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो जाता है। अब यहाँ पे ERP देखा है तो ERP हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ERP जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है, जो ऑल डिपार्टमेंट, ऑल ब्रांच का होता है, और इससे एक हमें ओवरऑल व्यू मिल जाता है। इसका डिस्कशन डिटेल में हमने पहले किया था तो वहीं से इसको रेफर कर लेना। नेक्स्ट आता है बिजनेस इंटेलिजेंस। ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी दैट आर यूज टू कलेक्ट एंड प्रोवाइड एक्सेस, ये ऐसी एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी है जो कलेक्ट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए डेटा को एनालाइज करने का काम करती है। सम बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन आर यूज टू एनालाइज द परफॉर्मेंस और द इंटरनल ऑपरेशंस। कुछ बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है वो परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए और इंटरनल ऑपरेशंस को एनालाइज करने का काम करती है। जैसे अगर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बिजनेस प्लानिंग है, फाइनेंस एंड बजटिंग टूल्स है, तो ये सारे बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है जो एनालाइज का काम करती है। जैसे अगर हम EIS को देखें तो EIS के थ्रू CEO को सारी रिपोर्ट मिल जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो प्लानिंग कर सकता है, तो इस तरीके से एनालाइज कर सकता है परफॉर्मेंस का और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्लानिंग और के फंक्शंस है उसको भी कर सकता है। सम बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन आर ऑल्सो यूज टू एनालाइज एंड मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग टूल्स। अ कम्प्लीट बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन असेंशियल फॉर द एंटरप्राइज ऑपरेशन। एक अगर कम्प्लीट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है तो वो कंसिस्टेंट और स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एंटरप्राइज के ऑपरेशन की। इसके अलावा जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए मार्केटिंग के टूल की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत ही बेसिक पॉइंट है, कंप्यूटर सिस्टम, स्कैनर, लैपटॉप, प्रिंटर, वेबकैम, स्मार्टफोन। तो इन सब का यूज़ हम देखते हैं डेली ऑर्गेनाइजेशन में होता है। वेबकैम का यूज़ क्यों होता है, मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए वेबकैम होगा तभी तो मीटिंग को कंडक्ट कर पाएंगे।
इसी तरीके से प्रिंटर स्कैनर और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो एक तो एक्यूरेटली सारा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है हमारी उस, और हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम आता है। अनेबल डिसीजन टू मेड फॉर क्विकली एंड स्पीड फॉर द कस्टमर, क्विकली हम डिसीजन मेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन कैन चार्ज द एक्यूरेट प्राइस एंड एलिमिनेट द नीड टू अप्लाई द प्राइस लेबल टू द इंडिविजुअल आइटम्स बाय द यूजिंग ऑफ स्कैनिंग सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा था कि जो स्कैनर है वो बारकोड को रीड कर लेता है, तो अलग अलग हमें प्राइस लेबल लगाने की जरूरत नहीं है, बारकोड से पता लग जाएगा कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है एक्चुअल। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके पॉइंट्स कौन कौन से थे, वेबसाइट, इंटरनेट, इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड पैकेज, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर सिस्टम, स्कैनर, लैपटॉप, प्रिंटर, वेबकैम एंड स्मार्टफोन। तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड अगर आपको पसंद आया है तो और लोगों के साथ में शेयर जरूर करना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।